नमस्ते प्रणाम, हम सोनू संग्राम ग्राम कापरपुर जिला पटना बिहार जे भी खेसारी भैया के फैन बा, जे भी ये वीडियो के लाइव देखत आ जे बाद में देखी, एक गोरु लोग शेयर लगा देम। आज बहुत खास मुद्दा पर बात करे बनी, खेसारी भैया के विषय में बोले के आयल बनी, तो जे देखत आ जे बाद में देखी प्लीज रिक्वेस्ट बा कि शेयर वो लोग लगा देम। और मुद्दा खेसारी भैया के एग्रीमेंट के बा कि एग्रीमेंट 5 करोड़ कितना तक कितना बहुत सारा मैटर चला था, तो हम बता दी कि चाहे एग्रीमेंट जो भी हो, मान ली खेसारी भैया इस चीज़ के ना जानत रह, चाहे वो ठीक कलन के हम कम पढ़ल लिखल बनी, चाहे जो भी बनी, हमरा कहे के मतलब जे खेसारी भैया के मैनेजमेंट करता विवेक सिंह, तू का करत रह, तू का हर मर्द तरा ना लौकत रहे हैं। एगो आप सुपर स्टार के आप मैनेजमेंट करते हैं, बताइए उनका आप मैनेजर हैं, आप इस तरीका से उनको फंसवा दीजिएगा तो करियर बर्बाद होबे ना करेगा, नहीं होगा बर्बाद। आप लोग जब खेसारी भैया के आप मैनेजमेंट करते हैं तो आपको पढ़ना चाहिए ना। खेसारी भैया अंग्रेजी नहीं जानते हैं, ठीक है, खेसारी भैया नहीं जानते, आप कहाँ थे, आप तो बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं महाराज, राई करोड़ के गाड़ी पर आगे आगे बैठ के घूमने के लिए आप खाली हैं वहाँ पे, कि और काम भी देखने के लिए हैं। भोजपुरी में बहुत सारे आदमी के मैनेजर हैं, पवन सिंह जी के मैनेजर है, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के मैनेजर है, मनोज तिवारी जी के मैनेजर है, ये लोग के मैनेजर काहे नहीं ऐसे फंसा दे रहा है उनको, आप कैसे मैनेजमेंट करो। अगर आपको मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप रिजाइन दीजिए, फालतू के काहे के लिए खेसारी लाल का लाइफ बर्बाद कर रहे हैं आप, काहे के लिए बर्बाद। आपके रहते हुए भी अगर खेसारी लाल जी फंस जाते हैं तो इसमें 110% विवेक सिंह जी आपको गलती है, आपका गलती है, आप कैसे मैनेजमेंट किए कि वो फंस गए, आप कहाँ थे, उनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, आपको भी पढ़ने नहीं आता है, आप क्या कर रहे थे, कहाँ थे आप, आपको नहीं पता है कि उनको 200 गाना का एग्रीमेंट हो रहा है कि कितना का हो रहा है, आप कहाँ थे। अंग्रेज बोल रहे हैं, खेसारी भैया बोल रहे हैं कि अंग्रेजी में था, हम नहीं पढ़े लिखे, सही बात है, भोजपुरी में अधिकतर कलाकार बहुत कम पढ़ा लिखा है, ठीक है, मानते हैं, बट आप कहाँ थे, आप उनके नाम पर आप चेहरा चमका लिए हैं, खेसारी लाल जी के मैनेजर उनको फोटो डाल के विवेक सिंह जी आप अपना चेहरा चमका लिए हैं, खाली चेहरा दिखाने के लिए हैं, पर्सनली हम विवेक सिंह जी आपको बोल रहे हैं, आप कहाँ थे, आप अलुआ छील रहे थे, छीलने के लिए हैं उनके पास बैठे हुए हैं, खाली छीलते रहे बैठ के, प्याज छील रहे थे, क्या कर रहे थे, आपके कारण खेसारी लाल जी फंसे हुए हैं, आपके कारण इस मुसीबत तक अगर वो पहुँचे हैं तो इसमें सिर्फ 110% आपका हाथ है, आप करवा रहे हैं ये सब, जानबूझ कर करवा रहे हैं, और किसी का मैनेजर नहीं है, काहे नहीं इस मुसीबत तक ले जाके एक सुपरस्टार को खार कर देता है, और आप कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं कि इस मुसीबत तक खेसारी लाल जी चले जा रहे हैं, कैसे कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं, इस पर आप पर ही आवाज उठेगा ना। जो लोग आपको बोल रहे हैं खराब नहीं बोल रहा है, आप प्याज छीलने के लिए नहीं उनके यहाँ है, आप पढ़ाई करोड़ के गाड़ी पर बैठ के आगे आगे घूमने के लिए उनके यहाँ नहीं है, उनका काम देखने के लिए है, एक सेलिब्रिटी खेसारी लाल यादव का आप सेफ्टी के लिए है, कहाँ उनको कब कैसे जाना है नहीं, आपके रहते हुए भी अगर खेसारी लाल का अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो एक मैनेजर का हाथ होता है उसमें, आप क्या कर रहे थे, आपका कैसा मैनेजमेंट है, आप असफल है तो आप छोड़िए, रिजाइन मारिए, आप क्या कर रहे हो, जागोर के क्या कर रहे हैं, और खेसारी भी ऐसे ऐसे आदमी का हटाइए महाराज, का आप मोछदारी बढ़वा के सबके रखे हुए हैं जिससे आपका काम नहीं मैनेज होता है। इससे तो पहले आपका पहले वाला मैनेजर था ना, जो इस सब नौबत तक नहीं लाता था, आप भी 2.5 करोड़ के गाड़ी पर बैठा के आगे आगे घुमवा रहे हैं, आपको मजा आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में अभी तक नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे आप आउट लाइव आके बोल रहे हैं कि हमको इंग्लिश पढ़ने नहीं है, बताइए इस पर क्या कहेगा आपका पब्लिक, क्या कहेगा हम लोग फैन, क्या बोलेंगे आपको कि जब आपको नहीं पढ़ने आ रहा था तो विवेक सिंह के कहला दाढ़ी मूंछ बढ़वा के रखे हुए हैं, जोड़े जोड़े घुमाते हैं, वो कहाँ था, उसको पढ़वाना चाहिए ना। आप इतना बड़ा डील कर रहे हैं, 5 करोड़ का आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, अब बताइए आपका मैनेजर आपके साथ नहीं है इसमें, तो आपका बताइए कि मैनेजर जब आपके साथ नहीं है तो इसमें कितना माने कि बताइए कि आप शर्मिंदगी की बात है, आप खुद बोल रहे हैं कि हम थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा, उसके बाद भी आप बिना मैनेजर के कैसे काम कर लेते हैं, आपका मैनेजर कैसे करवा देता है बिना जाने हुए, ये सब उसमें आपका मैनेजर का आपका विवेक सिंह का इसमें हाथ है, और इस पर विवेक सिंह जी आपको अगर नहीं काम संभाल हो रहा है तो महाराज छोड़ दीजिए, आप काहे के लिए किसी सुपरस्टार की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, एक कलाकार का 1 साल बंद होने के बाद एल्बम आप समझ रहे हैं ना, वो ठीक अलग बात है खेसारी लाल जी मेहनत करके बना लेंगे, करियर अपना बचा लेंगे, बट 1 साल आप समझ रहे हैं ना,
महाराज कहीं पवन सिंह जी का मैनेजर कहे ना इनको उनको इस मुसीबत पर ले आके, और जितना भी सुपर स्टार है किसी का मैनेजर के साथ, मैनेजर अपने सेलिब्रिटी अपने सुपर स्टार के साथ इस मुसीबत तक जाने देता है जहाँ तक आप इनको जाने दिए हैं? महाराज भोले भाले आदमी के काहे के लिए आप लोग बर्बाद कर रहे हैं बताइए? जो आदमी भोला भाला है, जो सीधा लिट्टी बेच के वहां तक पहुंचा है, उस आदमी को करियर के क्यों बर्बाद कर रहे हैं विवेक सिंह? और प्लस में आप जहीं तहीं से न्यूज चल रहा है तो कम से कम आप एक बार आके बोलिए तो कि हमको नहीं रहते हुए भर में हुआ है, कि आपको रहते हुए भर में एग्रीमेंट हुआ है, आप कैमरे से आउट है, आप भी तो आके एक बार स्टेटमेंट दीजिए जो कि उनको श्रोता जाने, नहीं तो आप रिजाइन मारिए फालतू के, आप कहला बकचोदी कर रहे हैं हो जाए उनके यहाँ रह के। आपको तो चाहिए अगर आपसे काम नहीं संभव रहा तो आप इसको रिजाइन मारिए, और खेसारी लाल जी खेसारी भैया आपको ऐसा मैनेजर का हटाइए, नहीं तो आप इससे आगे और आप पूरी तरह से आपको फंसा देगा सब। एक कलाकार बहुत नाजुक दिल के होता है, एगो कलाकार बने से पहले वो अच्छा इंसान बने के पड़ेला, तो आप एक अच्छा इंसान है कलाकार के कोर्ट कचहरी या पुलिस प्रशासन सब शोभा ना देवेला खेसारी भैया, ठीक ना, जहाँ तक आपको ये लोग ले जा रहा है। और विवेक सिंह जी सब अगर काम नहीं हो रहा तो आप रिजाइन मारिए, बैठ के प्याज मन छिलिए, अब पकड़ने के लिए नहीं बैठे हुए हैं फालतू के हो जाए।